गुड आफ्टरनून पिछली बार आपने तो पार्ट वन के फिफ्थ चैप्टर आपने बोले तो नोट्स लिया था कि क्वेश्चन लिया था अभी सिक्स चैप्टर दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है उसी में का वो चैप्टर में का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको ये याद करना होगा बोले तो ये एनुअल एग्जामिनेशन में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड थर्ड क्वेश्चन द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड अपीयर्स रेज्ड गिव साइंटिफिक रीजन उसी चैप्टर में का फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ऑकर्स देन एक्सप्लेन एक्सप्लेन ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार आल्सो एक्सप्लेन वाई प्लेनेट डज नॉट ट्विंकल उसी चैप्टर में का लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये आपको फिगर अच्छी तरह से देखना है और उसी में क्या क्वेश्चन है ए और बी नेम द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय फिगर वो प्रोसेस बताना है आपको एंड उसी में का क्वेश्चन स्टेट टू लॉज रिलेटेड टू द प्रोसेस वो फिगर देखो आपको याद करना है वो उसी में क्वेश्चन लिखना है लॉज लिखना है और सेवंथ चैप्टर लेंसेस उस चैप्टर में के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ अन आई दूसरा क्वेश्चन उसी में का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरिस एंड द मसल्स कनेक्टेड टू द लेंस इन द ह्यूमन आई। उसी चैप्टर में का तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज द मायोपिया आर नियर साइटनेस व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ मायोपिया। बोले तो मायोपिया जो डिसीज है उसी में का वो निराकरण कैसे करना है हाउ इज वायोपिया करेक्टेड एंड एक्सप्लेन द डायग्राम वो जो डायग्राम है करेक्ट और नॉट करेक्ट उसी में के तीन फिगर है वो आपको निकलना है फोर्थ क्वेश्चन माई ग्रैंड फादर यूजेस अ बायफोक लेंस हीज स्पेक्टल्स एक्सप्लेन वाई वो जो लेंस है वो बोले तो आयना बोलते आपको वो आयना आईने में बाइफोकल लेंस है उसी का कारण बताना है आपको कि क्या डिफॉल्ट है और उसी में का फिफ्थ क्वेश्चन स्टेट यूजेस ऑफ कॉन्क्यूल लेंस जी इस्तेमाल जो करते हैं कॉन्क्यूल लेंस उसी में क्या आपको यूजेस बताना है और सिक्स क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको एज इट इज भी नहीं आए तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता आ सकते। है मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल पे बात कर रहा हूं कि वट इज द फंक्शन ऑफ आसल्स कनेक्टेड टू द लेग इन ह्यूमन आइज हाँ। तो इसके ऊपर अलग क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि व्हाट इज द माइफोबिया लेकिन माइफोबिया एक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर सवाल घुमा फिरा के पूछ सकते, पूछ सकते हैं। है। है। तो ये जो करना है ये सवाल को आप अच्छी तरह से करें ना, आपको अच्छी तरह से एक बार दो बार लिख के देखना है ताकि आप लोगों को इससे प्रैक्टिस अच्छी करनी है क्योंकि आपका पेपर अभी एक्टिविटी बेस पेस पे तो चलो आगे सेवंथ है लिखा हुआ है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम वो जो डायग्राम निकाली है आपने देखा होंगे वो पढ़े होंगे चैप्टर में से और उसी में क्वेश्चन है नेम द शोन इन फिगर्स वो जो फिगर निकाले हुए उसका नाम लिखना है कौन सा डिसीज है ग्यू टू रीजन फॉर द डिफेक्ट उसी में का लिखना है रीजन क्या कैसे होता है इन विच फिगर इज द डिफेक्ट करेक्टेड बी आर सी एक्सप्लेन वो तीन डायग्राम है उसी में के दो बी ए सी ए उसी को एक्सप्लेन करना है आपको और अगला चैप्टर मेटेलर्जी उसी में के क्वेश्चन है डिफाइन मेटेलर्जी मेटेलॉजी की आपको डेफिनेशन लिखना है और दूसरा क्वेश्चन है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन वाई आपको रीजन देना है जो मेटल्स है गुड कैंड गुड कंडक्टर कैसे रहते हैं उसी में का थर्ड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपने पढ़े होंगे मेटल कैसे होते हैं और नॉन मेटल कैसे होते हैं फॉर एग्जाम्पल मेटल शाइन होते हैं और नॉन मेटल शाइनिंग नहीं रहती वो वही आपको लिखना है उसमें का क्वेश्चन फोर्थ ड्रॉ नीट डायग्राम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो वो जो डायग्राम आपको निकालनी होगी और उसी में के क्वेश्चन आपको आंसर देना है नेम द कैथोड एंड एनोड उसी में के नाम लिखना है आपको और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ इट एंड फ्लोर्सफार उसका जो फार्मूला लिखा हुआ है मैंने सी एफ सी उसे क्या कहते हैं फ्लोर्सफार और लास्ट क्वेश्चन है उसमें का राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन आपको रिएक्शन लिखना है एनोड कैथोड की और उसमें का क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय एलॉय, इन मराठी सम्मिश्र कहते हैं आप गिव टू एग्जाम्पल्स विद द केमिकल कंपोजिशन आपको वो उसकी कंपो केमिकल रिएक्शन बोलते कंपोजिशन बोलते कंपाउंड बोलते, बोलते वो लिखना है आपको ओके okay. बच्चो मेटोलॉजी का चैप्टर में से सिक्स क्वेश्चन अभी लिखा हुआ है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग गैलोनाइजिंग टिनिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग Allying. इसी में क्या आपको आ, बोले तो डिफिनेशन लिखना है या थोड़ा बहुत लिखना है उसके डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको अभी नाइन्थ चैप्टर दैट इज कार्बन कंपाउंड उसी में क्वेश्चन है गिव नेम्स ऑफ थ्री नेचुरल पॉलीमर्स आपको लिखना है पॉलीमर के नेम लिखना है राइट प्लेस ऑफ देयर ऑकरस वो कहा दिखते है उसी का प्लेस लिखना है एंड नेम ऑफ मोनोमर्स वो मोनोमर्स लिखना है फ्रॉम विथ दे आर फॉर्म बोले तो किसमें से निकलते है वो आपको लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द टर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन दो टाइप के है हाइड्रोकार्बन बोले तो सेचूरेटेड एंड सैचुरेटेड विथ द एग्जाम्पल उसको आपको एग्जाम्पल भी देना है फॉलोइंग क्वेश्चन डिफाइन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखना है आपको और नेम द नेम टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन बोले तो टाइप बोले तो प्रकार बोलते उसको वो, वो लिखना है नेम टू कार्बन कंपाउंड वो जो हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ डेफिनेशन उसी में के आपको एग्जाम्पल लिखना है टू कार्बन कंपाउंड वो लिखना है यूज इन डे टू डे लाइफ आ, आप जो इस्तेमाल करते होंगे हाइड्रोकार्बन का, वो कार्बन कंपाउंड आपको लिखना है वो मालूम है आपको सबको राइट द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन विच द कंपाउंड ऑफ बायोगैस दैट मेक्स इट यूजफुल एज फ्यूअल यानी कि बायोगैस में कौन सा गैस रहता है को जो आपको फ्यूअल में आपको इस्तेमाल करते हैं उसी में क्वेश्चन विच प्रोडक्ट इन फॉर्म बाय कंबसन ऑफ एलिमेंटल कार्बन कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है वो लिखना है आपको इज द बायोगैस कंबेशन रिएक्शन आपको बताना है वो रिएक्शन कौन सी है वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वो जो रिएक्शन है कौन सी वो बताना? दोनों में से एक कौन सी है वो बताना है आपको कंप्लीट द फॉलिंग टेबल आपको एक एक्टिविटी बेस पर एक्टिविटी बेस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वो जो चार्ट है आपको कंप्लीट करना है ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला उसके बाद मॉलिकुलर फार्मूला एंड उसको आप वो जो नेम लिखना है यानी कि फॉर एग्जांपल एक कार्बन है और बाकी का हाइड्रोजन है सी एच फोर का ये बोले तो मिथेन नाम है उसका उसका स्ट्रक्चर दिया है लिखे हुआ है और नाम फार्मूला लिखा हुआ है केमिकल और उसका नाम भी लिखना है उसी की तरह जो कार्बन का एलिमेंट दो रहते हैं और बाकी के अदर होंगे हाइड्रोजन उसको नाम लिखना है और स्ट्रक्चर लिखना है और उसका नेम लिखना है बोले तो केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है उसमें स्ट्रक्चर लिखना है और उसका नेम भी लिखना है और ये तीन कार्बन है उसमें सी 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 उसका नाम लिखा हुआ है सी थ्री एच एट और नाम लिखना है ये फार्मूला लिखा हुआ है केमिकल फार्मूला उसका स्ट्रक्चर लिखना है आपको और नाम लिखना जैसा ये मिथेन लिखा है वो उसके बाद में कार्बन वो जो C है वो है है वहां और उसका नाम लिखना है आपको और कार्बन का केमिकल फार्मूला भी लिखना है लेकिन स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये यहां पर वो आप गिन सकते हैं वो कितना है और लिखना है यहाँ या फॉर एग्जाम्पल सी और हाइड्रोजन कितने हैं ये चार चार आउट आठ और ये दो दस यानी के फोर ये टेन ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला और आपको नाम लिखना है ओके okay? बाद में दसवा चैप्टर स्पेस मिशन उसी में के फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको डेफिनेशन लिखना है आर्टिफिशियल बोले तो बनावट बोलते नेम एनी टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वो एग्जांपल भी देना है आपको दो दूसरा क्वेश्चन उसी में का वेयर डज द सिग्नल इन यूर सेल फोन कम फ्रॉम आप मोबाइल बोलते उसको वो वो जो सिग्नल बोलते हैं वो कहां से आते हैं आपको बताना है लिखना है वेयर फ्रॉम डज इट कम टू मोबाइल टावर मोबाइल टावर में वो कहां से आते हैं आपको लिखना है आपको पता होगा फोर्थ क्वेश्चन है उसी में का वेयर डज द सिग्नल टू योर टीवी सेट कम फ्रॉम आप जो टीवी देखते हैं उसी में के सिग्नल कहां से आके वो लिखना है आपको और बाद में लास्ट क्वेश्चन है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन वो जो स्पेस मिशन है उसी में के वो इंपॉर्टेंट बताना है आपको और, question, right missions, और लास्ट क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन मार मिशंस और लास्टली मून मिशंस यानी मंगल मिशन बोलते और चंद्र मिशन बोलते उसको वो आपको लिखना है ओके? Okay. तो बच्चों ये क्वेश्चन लाइक तो होना चाहिए, like होना चाहिए। और सबसे मेन बच्चों की इस क्वेश्चन का हंड्रेड परसेंट फायदा होने वाला है आप लोगों को एग्जाम में अगर आप लोग नाइनटी क्रॉस करना चाहते हो तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना पड़ेंगे ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आते पता लगेगा तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग होना चाहिए तो चलो थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल एंड बेस्ट फॉर यूर स्टडी एंड यू फ्यूचर प्लान प्लान ओके